रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद मोहतर के चैनल पे। तो उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आज मैं आई हूँ बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेके। बच्चे जो है ना बड़े परेशान होते हैं कभी कभी कि ना हमारा गिफ्ट कौन पैक करे, या बच्चे जो है ना कुछ अपने बाबा वगैरह को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आज लाई हूँ जल्दी वाला गिफ्ट पैक करने का तरीका, जिससे बाबा भी खुश और बच्चों के लिए भी आसानी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे दो कलर पेपर्स। ये मैंने बाबा वाले ही कलर्स लिए हैं, ब्लू और लाइट ब्लू, देख लीजिए। तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से लेंगे। तो हम सबसे पहले एक कलर जो हमारा लाइट वाला कलर है ये ले लेंगे, ये कलर पेपर ले लेंगे। अब मैं इसको बताती हूँ कि आप इस तरीके से किस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए। चलें तो बच्चों आप ज़रा देखें, बच्चे क्या बड़े, जो भी अगर इस तरह गिफ्ट पैक करना चाहे तो मैं बताती हूँ। ये पहले हमने ये पेपर लिया, कलर पेपर, इसको ग्लू स्टिक से हम हाफ साइड पे ग्लू स्टिक लगाएंगे, ओनली हाफ। ये मैंने हाफ साइड ग्लू स्टिक लगा दी और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इधर से हम इसको खुले रखेंगे ताकि हम इसमें गिफ्ट अपना डाल सकें। जब हम गिफ्ट डाल देंगे, यानी हम अपनी जो भी चीज़ चॉकलेट वगैरह गिफ्ट डाल देंगे, तब हम इसको पेस्ट करेंगे। और ये जब तक हम इसको इस तरह कर देते हैं कि ये इक्वल हो जाए। अब आप देख रहे हैं, अब ये इक्वल हो चुका है और यहाँ से एक साइड खुला है, इसका एक साइड इसका मुंह खुला हुआ है। तो हम जिस साइड है अब उस साइड हम क्या कर लिया, ब्लू कलर का कार्ड पेपर जो हमारा कलर पेपर है, और इसको हम 15 सेंटीमीटर्स फोल्ड कर लेंगे। 15 सेंटीमीटर्स चाहिए हमें इसका। तो अब हम इसका इतना पार्ट लेंगे और बाकी हम इसका कटिंग कर देंगे। देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसको हम साइड में रख लेंगे और इसकी मैं कटिंग कर दी हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका। देखिए इसकी कटिंग मैंने कर दी है, ये देखिए ये पार्ट लेंगे अब हम इसका और हम इसको इस पर पेस्ट करेंगे। पहले हम इसको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही तरीके से कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको इसके बराबर की कटिंग करेंगे कि इसकी ब्रेथ और इसकी ब्रेथ सेम हो, बिल्कुल इक्वल हो। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका कटिंग कर देंगे। जी तो ये मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट लेंगे। ये सेंटर पार्ट मैंने इसका ले लिया। अब सेंटर पार्ट से हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे सब तरफ से कि ये बिल्कुल हर तरफ से इक्वल हो, इसके कॉर्नर्स बिल्कुल इक्वल हो, ये इक्वल है। अच्छा बच्चे ये बात याद रखें कि जब भी आप सीजर यूज़ कर रहे हो बच्चों, तो किसी बड़े की हेल्प ले लें। तो अब हम इसका सेंटर पार्ट सिर्फ 4 सेंटीमीटर्स तक कट करेंगे, ओनली 4 सेंटीमीटर्स। ये हमने 4 सेंटीमीटर्स का तक कट कर दिया। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट हमने लिया था कटिंग वाला, इसको बिल्कुल इसके मिडिल में लेंगे और इस तरीके से इसको बैक साइड पे जाके पेस्ट कर देंगे दोनों तरफ से। और हमें देखना है कि ये बिल्कुल इसके सेंटर पार्ट आए, ये बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाए, बिल्कुल सेंटर पार्ट में आए। तो आप चाहें तो इस जगह इनको इस पर ग्लू लगा सकते हैं थोड़ी सी, या आप जब थोड़ी ग्लू लगा देंगे तो ये आपको सेंटर पार्ट में बिल्कुल फिक्स जाके बैठ जाएगा और आपको फिर हिलेगा नहीं ये ज़रा सा भी। ये आपने सेंटर पार्ट पे इसके ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दिया और ये पेस्ट हो गया इधर। अब इसका बाकी का जो एरिया है ये हम इसको पीछे से पेस्ट कर देंगे।
इसको ये मैंने पीछे से पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, जो हमने इसको कटिंग करी थी उसकी सबसे पहले हम फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए, दोनों साइड से हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और इक्वली फोल्ड होना चाहिए। शर्ट की तरह लग रहा है कुछ, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि बाबा ज़्यादा शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। तो ये हमने बिल्कुल शर्ट की एंगल में कितने ईजली इसको फोल्ड करके बना लिया। अब आप इस पे एक तरीके से यहाँ हल्का सा ग्लू लगा दीजिए ताकि ये आपका डिसबैलेंस ना हो। ये आपका ग्लू लग गया और अब आप इसकी भी कटिंग करिए, इनके कॉर्नर्स पे भी हल्का सा कॉर्नर कटिंग कर दीजिए। तो चले सबसे पहले हम इसकी बो भी रेडी कर लेते हैं। तो बो रेडी करने के लिए ये मैंने लिया है एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लू, डार्क ब्लू कलर का पेपर। अब हम इसको रख के एक साथ इसको थोड़ा सा कर्व में कटिंग कर लेंगे। देखें, इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कटिंग करते वक्त। ये देखें, ये हल्का सा कर्व मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको जिस तरीके से हम पंखा बनाते हैं इस तरीके से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। 1, 2, 3 पतली पतली इसकी फोल्डिंग करेंगे। जी तो देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ ये रेड कलर की स्ट्रिप, ये देखिए, ताकि इसके सेंटर में जो है ये हमें बंद हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस पर एक लगा ली थी ग्लू स्टिक, ये मैंने ग्लू स्टिक लगा ली और अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल बीच में से बंद कर देंगे। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से, और अब हम इसको इस पर पेस्ट कर देंगे। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है हमारा कार्ड, हमारा एनवेलप। तो इसी के ऊपर हम मैसेज भी लिख देंगे अपने बाबा के लिए, अपने पापा के लिए, या जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आप लोग बोलते हो। तो सबसे पहले हम इस पर मैसेज लिख देते हैं। हमने ऊपर तो लिख लिया मैसेज, अब हम नीचे भी कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं हसन की तरफ से। तो देखिए हमारा कार्ड कंप्लीट हो चुका है। आई लव यू बाबा जानी, एंड मैंने लिखा है यू आर द कलर ऑफ माय वर्ल्ड हसन अली। तो आप बच्चों या कोई भी बड़े अपने मैसेज इसके ऊपर राइट कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल सा और बहुत खूबसूरत सा कार्ड और गिफ्ट पैकिंग, ये दोनों चीज़ें काम करेगा। आपका कार्ड भी बन गया ये और गिफ्ट पैकिंग भी हो गया। इसके अंदर आप अपना गिफ्ट पैक कीजिए इसके अंदर एनवेलप के अंदर और बाबा को गिफ्ट कर दीजिए। आपके बाबा भी खुश, आप भी खुश। तो फिर आप बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का मेरा आइडिया ये कैसा लगा, ताकि मैं और आपके लिए और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आऊँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी मोहतर के चैनल पे। अलविदा, अल्लाह हाफिज़।